ओके okay. श्रद्धा वन उपासक उपासिकाएं हम थोड़ा सा भगवान बुद्ध जी के उत्तम गुणों को याद करके वंदना करके शुरू करेंगे मेरे कहने के बाद आप बोलिए भगवान बुद्ध जी सभी राग द्वेष मोह को नष्ट के सभी कुशल धर्मों को बढ़ाए अपने तन मन वाणी को शुद्ध किए वे बी तैरागे विद दोष हिम विद मोह हिम मेरी दादा भगवान हैं बुद्ध हैं बिना गुरु के उपदेश से चार्य आर्य सत्य को परिपूर्ण रूप से बोध किए हैं मेरे तथागत भगवान बुद्ध जी अरहं है सम्मा हे विद्याचरण संपन्न है, है सुगत है लोक विदु अनुतरो पुरुष दम सारती है सारे देव मानुका का गुरु बन गए हैं, बुद्ध बन गए हैं, भगवा बन गई कथा गे भगवान बुद्ध जी महागुरु गुरु है दशबलधारी विशारद ज्ञानी महाकांदनीय पूजनी महा को मीरा मन हो मीरा नो मन मी हो भगवान बुद्ध जी के उत्तम धर्म को मीरा मन

उपासक उपासिकाएं आज मैं आप लोगों को एक सुंदर धर्म बताने के लिए जा रहा तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं आज मैंने सोचा सारी पुत्र बंते जी ने जो एक धर्म प्रवचन दे दिया है वो आप लोगों को बताने के लिए आप लोग जानते हैं सारे पुत्र भंते जी बहुत सहन करने वाले बनते लोगों लोगों में से बहुत आग्रह हुए सहनशीलता से तो सारे पुत्र बंते जी के बारे में कहते हैं सारे पुत्र बंते जी खुद कहते हैं अपने के बारे में मैं रास्ता पर जाते समय लाइक काम करने वाले उस समय लाइक काम करने वाले फैमिली में छोटा सा बच्चे एक बच्चा रास्ते पर जाते समय किसी को परेशानी करने की नहीं सोचते सिर ज, ज, सिर झुकाकर कि रास्ते के किनारे किनारे जाते हैं बहुत अहिंसक के मन से सारे बुद्ध ने बताया सारे जी वो बच्चा जैसा है रास्ता पर आने के बाद दूसरों को परेशानी करने के लिए लाइक like, ऐसा कुछ नहीं सोचे बहुत अहिंसा के मन से किनारे किनारे पधारते है सारिपुत बंदे ने बताया सारिपुत बंदे जी एक बैल जैसा जैसा जिसके सिंग नहीं है तो सिंग नहीं है तो वो बैल दूसरों को परेशानी करने के लिए हिम्मत लाइक like, उनका ताकत दिखाने के लिए नहीं जाते है, है ना सिंघ नहीं है सिंह से वो लड़ाई करते है ना तो नहीं तो ऐसे हुए बैल किनारे किनारे सभी लोगों को जगह देकर अहिंसक अहिंसक से जाकर खुश खा का, खा का, खाता पीता है तो सारे बुद्ध बंदे ने बताए अः जी ऐसा है तो रास्ता पर जाते समय दूसरों को परेशान करने के लिए खुश नहीं सोचते बहुत अहिंसक से जाते तो ऐसे हमेशा सारे पुत्र बंधे जी सहनशीलता में परिपूर्ण हुए रहते थे तो इसलिए ऐसे हुए ऐसे हुए कितने बनते लोगों दुनिया में थे आप लोगों के इंडिया में हैं? ओ मिलियन मिलियंस ऐसे हुए बांते लोग थे एक दो नहीं लाख नहीं करोड़ करोड़ों करोड़ों ऐसे हुए बांते लोगों थे तो उस समय ऐसे हुए बनते लोगों से दूसरों को कुछ परेशान नहीं हुआ है ना कुछ परेशान नहीं हुआ लाइक like, लोगों को लाइक like, परेशानी करने के लिए डारने के लिए पीटने के लिए कुछ छीन लेने के लिए कोई नहीं थे वो बनते लोग बहुत सुख देने वालों थे सभी लोगों को देखते ही मन में जो दुख पीड़ा है वो शमन होता है कहते हैं बागामुदी देखने के लिए जाते हैं सिर्फ देखते ही मन मन में दुख पीड़ा दूर हो जाता है सुकून मिलता है शांत हो जाता है अकुशल दूर हो जाता है तो इसीलिए ऐसे हुए हैं भगवान बुद्ध जी के उत्तम श्रावक तो ऐसे हुए हमारे सारे पुत्र बंते जी हम सभी लोगों पर बहुत दया करके बहुत प्यार से एक खुश धर्म प्रवचन दे दिया hmm. Actually, दो धर्म प्रवचन एक नाम पर आता है तो पहला वाला आघात पटविने आघात मतलब वायर वायर दूर करने का तरीका मुझे सारे बद ने बताया तो ऐसे हुए प्रवचन दो है इसीलिए पठम मतलब पहला वाला दूसरा वाला नाम ऐसा नाम आता है तो पठम आघात पटविने दूर करने का पहला सूत्र में थोड़ा बताऊंगा बहुत छोट वाला आप लोग बहुत आसान से याद भी कर सकते हैं बंदी ने बताया ए, अगर भिक्षु के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है तो लोगों के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ है तो दूसरों के प्रति क्योंकि इसका मतलब विक्स लोगों के मन में भी देश उत्पन्न हो सकता है ना न इसीलिए किसी के मन में देश उत्पन्न हुआ है तो ऐसे हुए द्वेश दूर करने का पांच तरीका है कितने आकार है पांच उन्होंने बताया उन्होंने बताया देश उत्पन्न होने के बाद मैत्री बढ़ाना चाहिए देश दूर करने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए मैत्री मैत्री बढ़ाना चाहिए तो उन्होंने बताया मैत्री बढ़ाते समय जो देश है वो दूर हो जाता है इसके बाद अः सारे पुत्र बंदे जी ने बताया दूसरा वाला मैत्री बढ़ाना है पहला वाला दूसरा वाला है सारे पुत्र ने बताया ऐसे हुए लोगों के प्रति जिससे गुस्सा उत्पन्न हुआ है ऐसे हुए लोगों के प्रति करुणा बढ़ाना चाहिए तो मैत्री और करुणा का फर्क क्या है मैत्री मित्रता लाइक दोस्तपन ऐसा भाव मन में आएंगे तो उसको कहते हैं मैत्री लाइक सभी लोग दोस्त जैसे मानते तो अः बुद्ध ने बताया ऐसा मैत्री करना चाहिए अगर माता एक माता जी को एक ही बेटा है एक लौता लग, बेटा तो वो माता जी अपने बेटा से जितने प्यार करते हैं ऐसा इतना प्यार सभी लोगों के प्रति एक समान रूप से सभी लोगों के प्रति करना चाहिए उसको कहते हैं मैत्री तो मैत्री ऐसा वाला है तो गुस्सा दूर करने का स्वभाव और इसलिए मैं दोस्त बन सभी लोगों दोस्त मानते हैं दोस्तों मानते हैं तो उनको मैं शत्रु कोई नहीं है तो मैत्री करुणा क्या है करुणा दूसरों की दुख देख कर हृदय पिघल जा, जाता है तो आ, उसको कहते हैं करुणा दूसरों के दुख देख कर उनको दुख आ, आता है हा तो उसको कहते हैं दूसरों के दुख नहीं सहन कर सकते है. दूसरों के दुख देखना उनको पसंद नहीं दूसरों दुख से मुक्त हो जाए दुख नहीं पहुंचाए करके सोचेंगे तो ऐसा भाव को कहते हैं करुणा वो प्यार से अलग है तो बागा सारे बुद्ध बंदे बताए दे, देश दूर करने के लिए मैत्री बढ़ाना चाहिए मैं वायरस से मुक्त हो सभी लोग वायरस से मुक्त हो, हो जाए करके मैत्री बढ़ाना चाहिए इससे देश दूर हो जाता है इसके बाद सारे बताया मैत्री बढ़ाने से देश ऐसा ही रहेंगे तो क्या करना चाहिए करुणा बढ़ाना चाहिए आ जिससे गुस्सा उत्पन्न हुआ है उससे बद हरुणा बढ़ाना चाहिए अरे ये आदमी को दुख मत में पहुंचे करके ए, उनको दुख मत आए करके में करुणा बढ़ाना चाहिए अरे ये आदमी ऐसा गुस्सा करेंगे तो ऐसा हमको हाँ परेशान करेंगे तो उनको पाप बढ़ जाता है इसके बाद नरक में जन्म लेगा कितना लाइक मन में सुकून नहीं है गुस्सा कर जब भी वो गुस्सा में है उनके मन में सुकून नहीं है तो कितना दुख से आज रह, रहने वाला वाला बन गया है करके करुणा बढ़ाना चाहिए अरे उनको क्या हुआ वो कितना बुरा है वो अच्छा नहीं अरे उनके मन शांत हो जाए करके करुणा बढ़ाना चाहिए तो सारे पुत्र बंदे बताया करुणा बनाने से गुस्सा दूर हो जाता है मन में गुस्सा रहने के लिए जगह नहीं होगा क्योंकि करुणा के कारण उनको होश आता है गुस्सा दूर हो जाता है करुणा है, मन में स्थिर स्थित होता है सारे पुत्र बंदे ने बताया करुणा नहीं इसके बाद फिर गुस्सा है तो उपेक्षा बढ़ाना चाहिए क्या बढ़ाना चाहिए उपेक्षा उपेक्षा पाली वचन उपेक्षा कैसा बढ़ाना है उपेक्षा मतलब तो लाइक अटैच भी नहीं हुआ है दूर भी नहीं हुआ है वो मन बीच में रखने रखने का तरीका वो क्या है उन्होंने कहा ने बताया ऐसा सोचना चाहिए सभी लोग कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं सभी लोग किसके अनुसार जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार पिछले जन्म में जैसे पाप पुण्य किया है इसके अनुसार जन्म लेते हैं। इसके अनुसार आंख कान नाक, जीवा, काय मन ये सब कुछ मिलता है इसके बाद उन्होंने बताया ए, कर्म अपने ज्ञाति बनता है कर्म अपने क्या बनता है ज्ञाति बनता है उन्होंने बताया इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा कर्म के बारे में सोचेंगे तो ये सभी लोग कर्म करके उस कर्म के अनुसार इस भवचक्र में घूमने वालों हैं तो हम क्या करेंगे उनके लिए वो क्या करेंगे तो कार्म बढ़ाएंगे तो कर्म के अनुसार मिलता है ये सभी लोगों के ऐसा होता है करके मन पूरा पूरा शांत बन जाता है गुस्सा के बारे में सोचने के सामने नहीं आएगा पूरा पूरा मन डिटैच होता है उससे बंद उसके साथ बंद नहीं हुआ है तो पूरा पूरा मन में सुकून आता है गुस्सा दूर हो जाता है सभी लोगों के प्रति एक समान भाव आता है कि ये सब लोग कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं कर्म के अनुसार मर जाते हैं कर्म के अनुसार नाक, जीव का मन मिलता है ऐसे हुए है सब लोग फिर एक समान उनके एक समानता देखते देखते मन में जो गुस्सा है वो दूर जाता है करके सारे पुत्र बंद बताए इसके बाद सारे पुत्र बंद बताया इसके बाद भी आएंगे तो वो क्या करना चाहिए अमन शिकार अमन शिकार मतलब भूल जाना चाहिए फिर बार बार आएंगे तो क्या करना चाहिए भूल जाना चाहिए आदि आदि तो सहारे पुत्र बंदे बताया ये ऐसा ऐसा करते समय उनके मन में जो गुस्सा है उनको क्या होता है ए? ओ वो दूर हो जाता है गुस्सा नहीं रहता है तो गुस्सा दूर करने के लिए मन में कुछ करना चाहिए ना कुछ करना चाहिए तो गुस्सा गुस्सा आते क्यों गुस्सा आया है हम कुछ किया है वो क्या है गुस्सा उत्पन्न होने के दो कारणों के मतने बताया गुस्सा देने वाला चीज और गलत ढंग से विचार करना उसी उस, उस दो कारणों से गुस्सा उत्पन्न होता है तो इसीलिए हमारी तरफ से कुछ हम मदद किया है गुस्सा उत्पन्न होने के लिए इसलिए गुस्सा उत्पन्न हो ऐसा ही वैसा ही हम हमारी तरफ से गुस्सा दूर करने के लिए भी सोचना चाहिए गुस्सा दूर हो जाता है तो गुस्सा ऑटोमेटिकली नहीं उत्पन्न होता है हेतु कारणों से उत्पन्न होता है हेतु नष्ट होते समय गुस्सा नष्ट होता है ऐसा उन्होंने बताया ओके okay? तो इसके बाद लेकिन आज मैं दूसरा सूत्र विस्तर से बताने वाला है द्वितीय आघात पटविनी सूत्र गुस्सा दूर करने का दूर करने के तरीका के बारे में बता दिया गया दूसरा सूत्र दूसरा प्रवचन अच्छे से सुनिए समझने के लिए कोशिश कीजिए शार पुत्र बांधे जी भिक्षु संघ को संबोधित किया भिक्षु भिक्षु संघ प्रतिवचन दिया समय सारे सुंदर धर्म संघ को बताया बिक्षु, अगर भिक्षु के मन में वायर मतलब गुस्सा नाराज सा, सारे जी ओके उत्पन्न हुआ है तो ऐसा दूर करने आ, दूर करने का पांच तरीका है आ, फिर से कितने तरीके दे, बता दे पांच तरीका बता दे उन्होंने बताया वो क्या है पहला वाला थोड़ा अच्छे से सुनिए थोड़ा आदत नहीं है तो में समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मन लगाकर अच्छे से सुनिए पहला वाला ऐसा है उन्होंने बताया इस बुद्ध शासन में ऐसा कोई आदमी व्यक्ति है उनका उनके शरीर का कर्म शरीर से करने वाला का, काम काम अपरिशुद्ध है इसका मतलब शरीर से दुराचार करता है शरीर से कुछ गलत होता रहता है लेकिन उनके वाणी वाणी शुद्ध है वाणी से गलत नहीं करता है ऐसा लोग है या नहीं क्या सभी लोग शरीर से वाणी से मन से तीन द्वारों से में गलत करते हैं या कई कई लोग शरीर से गलत करते हैं वाणी से नहीं वाणी अच्छे है माधुर है हम जाएंगे तो उसके घर पर वो अच्छे से बात करते हैं है चोरी करता है शायद, पर, कुछ कर, करता होगा। लेकिन वाणी अच्छा है कई कई लोग है वाणी पूरा पूरा खराब है तो हम उनके पास भी नहीं जाते लेकिन हम थोड़ा करीब देखेंगे तो उनके शरीर से शायद प्राणी नहीं करते शायद चोरी नहीं करते दूसरे के पास नहीं जाते, स्त्री पुरुष तो है तो दूसरे पति के पास नहीं जाते काम विचार नहीं करते तो दूसरा शरीर से कुछ गड़बड़ नहीं करते लेकिन वाणी तो बहुत बहुत खराब है हमेशा डांटते हैं, जोर से चिल्ला गए खट्टोर वचन से पुकारते हैं, बुलाते हैं, बहुत बहुत मुश्किल है ऐसा लोग है या नहीं ऐसा लोग है इसीलिए उन्होंने बताया पहला वाला उनके काय काम का शरीर का काम अपरिशुद्ध है लेकिन वाणी पारिशुद्ध है उसके प्रति उससे उसे गुस्सा उत्पन्न होगी तो वो भी दूर करना चाहिए कि सारे पुत्र बंदे ने बताया दूसरा वाला उनके वाणी खराब है लेकिन उनके शरीर का काम शरीर का काम शरीर से करने वाला में चेज में अच्छा है सो वाणी बहुत बुरा है लेकिन उनके शरीर से करने वाला में क्रिया काम अच्छा है पानी हत्या नहीं करते चोरी नहीं करते दूसरों को मारते पीटते नहीं है ऐसे हुए लोगों के प्रति भी गुस्सा उत्पन्न तो वो दूर करना चाहिए कि सारे प्रतिबंध ने बताएं वो दूसरा आदमी हमको तो ऐसा नहीं लगता है हमको उनकी वाणी अच्छा नहीं है तो हम पूरा ही पूरा उनका पूरा में उनके पूरा जीवन किस के, किस में डालते है? है बुरा लोग उनके तरफ डालते दा, है साथ डालते डालकर पूरा पूरा दूर करते वो अच्छा नहीं है लेकिन उनके अच्छा पार्ट है हमारे मन इतना अच्छा नहीं है वो देखने के लिए हम हमेशा सोचते हैं हम अच्छा है हम अच्छा है करके नहीं हमारे पास भी बहुत सारे बुरा है इसीलिए उनके गुणों नहीं देख दिखाई दिया बताए उनके प्रति भी जो गुस्सा उत्पन्न तो वो दूर करना चाहिए वो सुंदर सूत्र है मैं प्रवचन है इसके बाद सारे बुद्ध बंद ने बताया तीसरा वाला उनके जीवन कैसे है सेहे काम शरीर का काम शरीर से करने वाला काम भी अपरिशुद्ध शुद्ध है शरीर से दुराचार करता है वाणी से दुराचार करता है बहुत मुश्किल है ना मतलब तो इसके बाद लेकिन समय-समय पर कुछ लाइक ध्यान साधना करने के लिए जाते हैं प्रोग्राम में कहा भी नहीं तो इसमें तो ऐसा करते कहते हैं चित्त में कुछ सुकून वो लेते हैं धर्म से इसका मतलब पुण्य करने के लिए कभी कभी जाते है, बड़ा सा फंक्शन है तो उस दिन बहुत काम करके उस दिन वो अच्छा बन जाता है नहीं तो कभी कभी कुछ बड़ा सा प्रोग्राम में लाइक ध्यान साधना करने है, नहीं तो वो जा, जा जाते हर दिन नहीं कभी 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 वो अच्छा बनता है लेकिन हमेशा कैसे शरीर से से दुराचार करते सभी कभी अच्छा करते उनके प्रति भी जो गुस्सा उत्पन्न तो वो दूर करना चाहिए कि सारी पुत्र पंते जी ने बताया चौथा वाला सारे पुत्र पंति ने बताया जो आ, आ, नहीं है तो एक व्यक्ति है उनके शरीर से वो दुराचार करता है वाणी से दुराचार करता है एवं समय समय पर भी कुछ अच्छा नहीं करते जीवन में अच्छा नाम कुछ चीज नहीं ऐसे हुए लोगों के प्रति गुस्सा उत्पन्न तो सारे पुत्र पंथी बताए वो गुस्सा दूर करना चाहिए वो गुस्सा भी साधारण नहीं बन सकते हम कह सकते हैं, वो फेयर है वो इतना बुरा करने वाला है इसलिए हम गुस्सा करेंगे तो ओ, वो में एक से एक काट जाता है ऐसा नहीं होता है सारे पुत्र बंदे बताया इतने हुए बुरे लोगों के प्रति भी गुस्सा उत्पन्न होंगे तो वो क्या करना चाहिए ओ हमारे सारे बंदे बताया वो दूर करना चाहिए देखो उस समय देखिए मैं बांधते लोग कितने साफ साफ मन से रह रहे थे कितने उत्तम थे किससे भी गुस्सा नहीं कि सभी लोगों के प्रति दया किए मैत्री किए प्यार दिखाए अनुकंपा किए पांचवा वाला सारे पुत्र बंदे ने बताया ऐसा व्यक्ति है इस बुद्ध शासन में हमको मिलता है तो वो शरीर से भी अच्छे ही करते हैं शरीर से शारीरिक काम का पार शुद्ध है दुराचार नहीं करते वाणी है।, है। एवं ऐसे हुए इतने अच्छे होने के बावजूद भी फिर समय समय पर भी अच्छे ही करते हैं। हमेशा अच्छे से भरे हुए कुशलों से कुशल धर्मों से भरे हुए गुण धर्मों से भरे हुए सोचे हो सकते आराम तो बनते लोग धर्म के रास्ते पर चलने वाले संग, उपास अच्छे उपास उपास तो जो कुछ गलत नहीं करते शरीर से वाणी से एवं मन से सारे प्रतिबंध ने बताया ऐसे हुए लोगों के प्रति भी गुस्सा उत्पन्न होता है हमारे मन कितने कितने बुरा बन जाता है कभी कभी तो इसलिए हमारी तरफ से बहुत गलत हो सकता है उन्होंने बताया ऐसे हुए लोगों के प्रति गुस्सा उत्पन्न तो वो भी दूर करना चाहिए आ अति अति सुंदर अति सुंदर है तो उन्होंने सभी प्रकार गुस्सा के बारे में बता दिया दूर करना चाहिए एक प्रकार भी गुस्सा नहीं मन में रखने के लिए है ना कई कई लोग पूछते थे बच्चों से गुस्सा उत्पन्न होते वो क्या अच्छा है बुरा है नहीं तो पति शायद शराब पीते हमेशा आकर पीटते मारते गुस्सा करेंगे तो अच्छा है या बुरा है तो इससे हमको समझ में आया इस दुनिया में व्यक्ति हो सकता है कोई प्र, किस प्रकार भी हो सकता है लेकिन उससे गुस्सा नहीं करने चाहिए उन्होंने बताया तो गुस्सा करने के लिए योग्य हुए कोई चीज इस दुनिया में नहीं है तो हमारे सारे पुत्र बंते जी कितने सुंदर मन के साथ रह रहे थे तो इसलिए वो सभी बनते लोगों में से दो बंते जी अग्रग बन गए अग्र बन गए सारे पुत्र बंते जी महामुगल नायण बंते जी तो ऐसे हुए महाकाश बंते जी आनंद नंद राहुल आदि महाधम रखित बंते जी जिन्होंने इस महाराष्ट्र में पधारे थे तो ऐसे हुए उद्द, उद्द लोगों कितने साफ साफ मानते रहते थे कितने गुणवान हुए सारे बुद्ध जी सारे का कुछ लाइक उपमा उपमा देता है ये समझ में आने के लिए वो भी सुंदर है सार बुद्ध ने बताया तो पहला वाला पहला वाला कौन सा वाला है पहला वाला कौन सा वाला है उन्होंने बताया पहला वाला शरीर से करने वाला काम अच्छा नहीं है दुराचार करते हैं। लेकिन पारशुद्ध वाणी है उससे प्रति गुस्सा दूर करना चाहिए सारे बुद्धि बंदे बताए वो इस प्रकार है एक भिक्षु एक भिक्षु चीवर के लिए खपड़े ढूंढते ढूंढते उस समय वो हर जगह जाकर जहा जहाँ कचरा डालते वह वह जाकर शमशान घर में जाकर कुछ खपड़े वगैरह है तो उससे अच्छे हिस्सा लेकर चीवर बनाए थे तो ऐसा चेवर के लिए खपडे ढूंढने वाला एक भिक्षु रास्ता पर जाते जाते समय कुछ खपड़ा दिखाई देता है फेंक दिया वाला। तो खपड़ा देख वो, वो खापड़ा मल से कुछ असोच से भरे हुए है और एक तरफ से खराब भी हुए है ऐसे हुए है लेकिन वो बंद थे ये पूरा ही पूरा, है, पूरा है, खराब है करके दूर से लाइक like, कुछ में निर्णय नहीं लेता है कौन कह सकते हैं अंदर कुछ हो सकता है थोड़ा सा अच्छा पार्ट अच्छा हिस्सा इसलिए वो नास्तिक जाकर हाथ से तो नहीं पकड़ सकते क्योंकि इतना खराब है हाथ से कुछ डील वगैरह नहीं कर पाएंगे पैर से पैर से ऐसा 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 करके वो कपड़ा बिछा करके जो माल से भरा हुआ है वो भी हटा करके जो खराब हुआ है वो भी हटा करके अच्छा हिस्सा ओ में ऐसा करके लेकर जाता है उससे भी कुछ काम आता है उत्तम काम आता है चीवर पहनने चीवर सीने के लिए तो सारी बुद्ध बंदी मत आए वैसा ही जिसके जीवन में शरीर से करने वाला काम बहुत बुरा है बहुत बुरा है दूर से ही अच्छा नहीं लगता है लेकिन नजदीक देखते ही उनके वाणी अच्छा है तो वाणी अच्छा है करके देखने के लिए थोड़ा नजदीक थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए थोड़ा ध्यान देकर में मनन करके देखना चाहिए वो कौन कौन सा प्रकार पुद्गल है करके दूर से दूर नहीं करना चाहिए वो तो खराब वाला ऐसा नहीं करना चाहिए तो ऐसा देखते ही समझ में आता है ये आदमी शरीर से गुस में दुराचार करते हैं लेकिन वाणी से नहीं है ना इसका वाणी अच्छा है ना मुझे पहले नहीं मैंने नहीं पहचान लिया लेकिन इसका वाणी अच्छा है करके समझ में आकर वाणी उन्होंने बताया वो उसके वाणी के बारे में सोच कर दुराचार करने के लाइक शरीर में अपरिशुद्ध हुए शारीर का काम के बारे में नहीं पारिशुद्ध हुए हुई वाणी के बारे में सोच करके ध्यान देकर गुस्सा दूर करना चाहिए समझ में आया या नहीं है? समझ में आया ना तो अरे ऐसा उनके अच्छे में हिस्सा के बारे में सोच सोच करके आ गुस्सा दूर कर लेना चाहिए बुरा हुए हिस्से के बारे में नहीं सोचना चाहिए ऐसा करके उनके बारे में जो गुस्सा है वो दूर करके अच्छे से रहना चाहिए उन्होंने बताया दूसरा वाला सारे पुत्र ने बताया दूसरा वाला कैसे था उनके वाणी अपरिशुद्ध है वचन कठोर है लेकिन शरीर का काम बहुत शरीर से अच्छा करते है दूसरों को मदद करते है लाइक दान में दान देते है नहीं तो दूसरों को कुछ बड़ा सा फंक्शन आएंगे तो आश्रम में आकर मदद करते है दूसरों को रास्ता पर रास्ता पर आने के बाद पूरा ही पूरा, पूरा रास्ता के साम रास्ते के बीच में मिलने मिलेंगे तो मैं तो कुछ मदद चाहेंगे तो मदद करते है, है। मदद करते शरीर शारे से लेकिन उनकी वाहनी वाहनी कठोर है से थोड़ा जोर से चिल्लाते हैं तो हमको लगता है ये तो बुरा वाला लेकिन शायद वो बुरा वाला नहीं है बुरा वाला नहीं है देखेंगे तो ध्यान देकर मैं उनके बारे में अच्छे से देखेंगे तो वाणी बुरा लगता है लेकिन शरीर से ऐसा कुछ नहीं है अभी भी हमको नहीं मेहानी पहुंचने वाला है पहुंचाने वाला है शरीर से चोरी कभी भी नहीं घर देखभाल करने के लिए देकर दूर जा सकते इतना चाहिए। लेकिन हम अरे बुरा पार्ट देख कर गुस्सा कर रहे थे सारे पुत्र बंदे में बताए ऐसे हुए लोग है तो, तो उनका शरीर का काम बहुत बड़ा है ना तो शरीर का काम बहुत बड़ा हिस्सा है तो वो शुद्ध है उन्होंने बताया एक आदमी है वो आदमी प्याज से मरे हुए प्यास से मारे, मा, मारे 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 हुए ना मारे प्यास से बारे हुए प्यास से बहुत प्यास लगता है तो वो पानी ढूंढते ढूंढते जाते समय उनको एक तालाब मिलता है तालाब मतलब पानी से बहुत भरा हुआ है ना बहुत पानी लेकिन पानी के ऊपर सरफेस पर पूरा ही पूरा में लाइक में हरा हरा चीज में, ओ, में आ, वो में आता है ना ऐसा हरा हरा चीज से मैं घास वगैरह से भरे हुए है पानी दिख नहीं दिखता है तो ऐसे होते समय वो आदमी वो हरा हरा चीज वो घास ऐसा दूर करके वो अच्छे पानी नीचे था वो पीकर कर प्यास दूर करके प्यास शमन करके सुख से जाता है ऐसा सारे बुद्ध बंदिमता वैसा है जिसके जीवन में शरीर से करने वाला काम अच्छा है लेकिन छोटा पाठ वाणी पूरा है वाणी से हमेशा लाइक बात करते समय मन में अच्छा नहीं लगता है लेकिन शरीर से कभी भी ऐसा नहीं करते ऐसे हुए लोगों के प्रति जो गुस्सा उत्पन्न होंगे तो उनके उत्तम हुए शरीर के फार्म के बारे में सोच करके गुस्सा दूर करना चाहिए। जैसे वो आदमी हरा घास हरा के बारे में नहीं सोचा घास के बारे में सोच कर ये खराब हुए तालाब करके नहीं छोड़ दिया वो बुरा हुए चीज हटा करके अच्छा वाला पानी पी लिया पीकर उससे कुछ लाइक में काम कर लिया उसको कुछ में लाभ मिला ऐसा वो आदमी जिसके जीवन में शरीर से करने वाला काम अच्छा है वाणी बुरा है तो बुरा हुए वाणी पर ध्यान नहीं देकर वो माना नहीं करके अच्छे हुए शरीर के काम के बारे में सोच कर ये कभी भी चोरी नहीं करते तो हमारे तरफ से भी ऐसा नहीं होता जो कभी कभी बहुत सारे लोगों को चोरी होता है तो आश्रम से भी चोरी करते हैं तो इसलिए क्या बात है तो इसीलिए भी हो, हो सकता है तो ये आदमी ऐसा नहीं है वाणी तो खराब है लेकिन शरीर से कभी भी ऐसा नहीं कर कितने अच्छा करके उस पर ध्यान देकर शरीर का काम में उनका पारशुद्ध हिस्से के बारे में सोच सोचेंगे तो गुस्सा दूर हो जाता है उन्होंने बताया तीसरा वाला उन्होंने बताया तीसरा वाला उन्होंने बताया भिक्षु जिसके जीवन में शरीर से करने वाला काम खराब है दुराचार करते हैं। से भी दुराचार करते हैं, तो चोरी करते है प्राणी हत्या करते मनुष्य मतलब में लोगों को भी मार डालते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वाणी भी पूरा पूरा बुरा है शराब पीते शराब बनाते कुछ भी करते हैं। लेकिन वो कभी कभी वो मन में धर्म से लेने का मन शमन कर लेते हैं धर्म से कभी कभी समय समय कभी कभी लाइक बड़ा सा फंक्शन है तो शायद मैं में अगर कुछ बहुत सारे पैसा देकर सभी लोगों के साथ बातचीत करके चले जाते हैं लेकिन इस इतना है अगले दिन से पूरा है पर, उसी दिन से पूरा पूरा खराब है लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं है तो कभी कभी उनके मन प्रसन्न आएंगे तो दूसरों को मदद करते हैं हमको ऐसा मिला हाँ, हमारे गांव में भी ऐसा थे तो ऐसा हम हाँ, सभी लोग डर 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 के मारे रहते उनसे लेकिन कभी हैं। कभी अच्छा करते कभी कभी अच्छा करते और अच्छा करने लोगों से प्यार करते ऐसे ऐसे लोगों भी हमको मिला शराब पीते शराब बनाते हैं में लोगों मार डालते हैं चोरी करते सब कुछ करते लेकिन एक अच्छा चीज है अच्छे शील पालन करने के लिए करने वाला मैं गई है तो तो ना प्यार भी कर दी तो उनका कुछ अच्छा पार्ट है ना हाँ ऐसा सा सार्वित तो बंदे बताए उनका शरीर का काम बुरा है दुराचार शरीर से दुराचार करते हैं वाणी से दुराचार करते हैं लेकिन कभी कभी अच्छा करते हैं पुण्य करते हैं ऐसे हुए लोगों के प्रति गुस्सा आएंगे तो दूर करना चाहिए कैसे थोड़ा तो मुश्किल हो सकता है ना ए, उनके बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं सारी बुद्धि बंदी बताए प्यास से आ, प्यास बहुत में प्यास से मारे आ, मारे हुए एक आदमी प्यास से भरे हुए एक आदमी पानी ढूंढते ढूंढते जाते समय कुछ आ, जैसा तालाब नहीं मिल, मिलता है जिससे लाइक आर, आराम से पानी पी सके थे उनको पानी मिलता है बैल बैल के पैरों से बने हुए छोटा सा गड्ढे मिट्टी पर हो सकता है ना आए गड्ढे गड्ढे में पानी थोड़ा सा भर गया दिखाई देता है जगह जगह बारिश के कारण थोड़ा पानी जगह जगह ओ बच गया है छोटा सा गड्ढे गड्ढे में बैल बैल के पैरों से बने हुए गड्ढे वो क्या करते ये छोटा मोटा है करके दूर नहीं करते वो छो नहीं छोड़ है वो पैर में पैर मतलब में और ये हाथ चारों समीन पर रख कर मुख से थोड़ा सा पानी पीकर प्यास कम कर लेता है मुश्किल से तो भी थोड़ा पानी पीता है वैसा ही सारे बंदे बताए जिसके जीवन में शारीरिक दुराचार है मन से वाणी से दुराचार करते हैं लेकिन कभी कभी अच्छा करेंगे तो कभी कभी पुण्य करने वाला है तो कभी कभी मदद करेंगे तो कभी कभी थोड़ा सा भी गांव के कुछ काम में आएंगे आते जाते हैं तो, तो कुछ भी थोड़ा सा में अच्छा है तो वो थोड़ा सा अच्छा पर ध्यान देकर वो सोच करके वो याद करके वो याद करके गुस्सा दूर करना चाहिए So, पूरा है पूरा अपने का में एबिलिटी क्षमता ओ तो इसलिए ऐसा करके बड़ा सा दुराचार भूल जा कर थोड़ा सा सोचना चाहिए ये इतना बुरा है वो सच है लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अच्छा कर देना ये, ये भी ऐसा आदमी है करके थोड़ा उस पर ध्यान दे कर वो याद करके थोड़ा सा अच्छे हुए हिस्सा याद करके गुस्सा दूर करना चाहिए प्यार नहीं मतलब उसके साथ काम करना शुरू नहीं करते है, उसके साथ जीना शुरू नहीं करते है। लेकिन जो गुस्सा गुस्से से पीड़ा भोगने वाले हम सभी लोगों को बताते हैं ना गुस्सा दूर करके संसार से मुक्त हो जाने के लिए ना इसीलिए कभी कभी गुस्सा आता है गुस्सा दूर करने के लिए कोई तरीका नहीं दिखाई देता है गुस्सा ही उत्पन्न होता रहता है तो उस समय ये सब हुए अनुशासन इतने उनको कीमती लगता है तो उसी उसी वक्त उस ऐसे हुए वक्त में उनके अच्छे हिस्से के बारे में पाठ के बारे में याद करेंगे तो उनको देश दूर करने के लिए कुछ रास्ता मिलता है वो पकड़ कर आसान से गुस्सा दूर करके प्यार में करुणा मैत्री बढ़ाकर गुस्सा से बच जा सकते ये हमारे वचन नहीं है परम पूजनीय सारे पुत्र उत्तम अनुशासन है इसके बाद पांच इससे मुश्किल है उन्होंने बताया उनके जीवन में शरीर से करने वाला काम पूरा-पूरा दुराचार वाणी से ही दुराचार करते हैं, और कभी भी समय समय पर भी कुछ अच्छा नहीं करते हैं। बड़ा सा मुश्किल है ना बड़ा सा मुश्किल है हमको उससे ऐसा लोगों के प्रति गुस्सा बने दूर करने के लिए कोई कोई तरीका समझ में नहीं आई महाप्रज्ञावानी महाज्ञानी सारे बुद्ध बंधी जी सारे बुद्ध बंधी के बारे में बता देती इस दुनिया में भगवान बुद्ध जी के अलावा इतना ज्ञानी हुई कोई नहीं है सारे बुद्ध बंथी जैसा इस मनुष्य लोक में देवलोक में ब्राह्म लोक में कहा भी सारे बुद्ध बनते जी जैसा ज्ञानी हुए लोग नहीं भगवान बुद्ध जी के अलावा सिर्फ भगवान बुद्ध जी सारे जी से करोड़ों करोड़ों से ज्यादा प्रज्ञावान हुए अभी भी सारे बुद्ध बंदे जी आसमान जमीन जैसा दूर है प्रज्ञा से भगवान बुद्ध जी से लेकिन दूसरों से सारे बुद्ध जी इतना दूर है इतना ज्ञानी तो इस दुनिया में के अलावा परम ज्ञानी हुए है सारे बुद्ध जी ज्ञानी हुए सभी से अग्र बन गए हैं तो इसीलिए ये समझ में आता है सारे बुद्ध जी को नहीं तो किसको समझ में आ, आएगा ये सब तरीका उन्होंने बताया ऐसे हर तरफ से दुरा, दुराचार करने वाले आदमी के प्रति गुस्सा तो वो दूर दूर करना चाहिए कैसे उन्होंने बताया एक उपमा समझ में आने के लिए एक आदमी रेगिस्तान में बीच में आए हुए वो रेगिस्तान पार करने के लिए जा रहे है बीच में आए है वो बीमारी है वो पूरा है पूरा बीमारी आदमी ओके बीमारी है और उनके पास खाना भी इतना नहीं है मतलब कुछ दिनों के बाद खत्म होने वाला है लेकिन आगे बहुत दूर एक महीने तक शायद एक हफ्ते दो हफ्ते तक जाना है इतना खाना नहीं एक तरफ से बीमारी है इसके बाद प्यास से में प्यास से भरे हुए हैं इसके बाद छाकर आ रहा है इतना हर तरफ से दुखी हुए हर तरफ से मैं कमजोरी हुई एक आदमी बहुत मुश्किल मुश्किल से रेगिस्तान में आकर अभी बीच में फंस गया है वो देख कर धूप से जलता है तो ऐसे हुए आदमी एक प्रज्ञा एक ज्ञानी पुरुष को दिखाई देता है वो देख कर वो सोचते है उनके मन में आता है अरे बाप रे ये आदमी रेगिस्तान के ये बीच में फंस गया है उपस्थान करने में लाइक सेवा करने के लिए कोई नहीं है दवा नहीं है ए, काफी खाना नहीं है खुद बीमारी है प्यास लगता है चक्कर, अरे ये तो कुछ दिनों के बाद में पूरा पूरा जल जाएगा मर जाएगा बर्बाद होगा नष्ट होगा अरे ये उनको क्या हुआ करके उनके मन में करुणा उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है ना इतना खराब हुए में इतना लाइक परेशानी में डूबे हुए आदमी देखने के बाद क्या लगता है करुणा उत्पन्न होता है ना हाँ सारे पुत्र बंदी ने बताया वैसा है जिसके जीवन में शरीर से दुराचार करता है वाणी से दुराचार करता है मन से मन भी कभी 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 भी शांत नहीं कर लेता है उसके प्रति गुस्सा उत्पन्न हो तो सारे पुत्र बंदी ने बताया ऐसे हुए लोगों के प्रति करुणा ही बढ़ाना चाहिए दया ही ही बढ़ाना बढ़ाना चाहिए, चाहिए अनुकंपा कि हम सोचेंगे हमको कोई आदमी हमेशा परेशान करते हैं, हमारे चीज चोरी करते हैं, डांटते हैं झुगली करके बहुत परेशानी पहुंचा देते हैं और कभी भी ध्यान दान नहीं देते है कुछ मदद दूसरों को नहीं करते बुरा ही करते रहते तो हम हाँ को गुस्सा आएंगे, तो सारे बताया बंते जी ने बताया, बताया। उनके प्रति अनुकंपा ही बढ़ाना चाहिए दया ही बढ़ाना चाहिए में ही बढ़ाना चाहिए कि अरे ये आदमी ये स्त्री ऐसा करके करके इस जीवन में तो जिएगा बाकी तो और कुछ समय तक जिएगा लेकिन मृत्यु के बाद में ये एकांत रूप से नरक में जन्म लेगा वापस ऊपर आने के लिए मौका मिले करके उनके प्रति उनको, उनको उनके में आगे क्या मिले करके उनके बारे में सोच करके करुणा बढ़ाना चाहिए तो हमको एक में स्त्री मिल गई हमारे एक आश्रम के नजदीक एक बड़ा सा आ, आश्रम के में वो वो रहती थी वो हर समय लोगों डालती है हम क्या करते हैं हम कुछ नहीं करते ना तो हम डॉटते है बहुत बुरा वचन आप जानते ना जो वचन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसी वचन से डालते बुरा अंत मृत्यु के बाद में कहा प्रेत लोग में जन्म लिया घर पर इसके बाद घर पर जन्म लिया प्रेत लोग इसके बाद लोगों के शरीर में आकर कहते हैं अरे बांधे लोगों को दान देकर हमको पुण्य दे इससे बचाव करके कह कहते हैं तो अभी होश में हो आया लेकिन अभी देर लगा लेट हुआ अभी इसीलिए ऐसा सोच करके ये लोगों उनके घर पर कितने दुख से रहते ऐसा करने वालों करके उनके उनके परेशान के बारे में सोच करके उनके आगे उनको क्या होगा करके सोच करके दया बढ़ाना चाहिए गुस्सा करना नहीं इसका मतलब हम अच्छा होना चाहिए उससे ज्यादा <laughs> है ना इतना कुछ सोचने के लिए हम अच्छा होना चाहिए हम उत्तम आदमी स्त्री बनना चाहिए ना ऐसा बन ऐसा करेंगे तो बन जाता है ऐसा करेंगे तो वो वो श्रेष्ठ बन जाता है उत्तम विचार ऐसा करके गुस्सा दूर करके प्यार दिखा कर मतलब अनुकंपा करके रहना चाहिए कुछ समय तक ना सत्तर सालों तक साठ सालों तक थोड़ा सहन करके रहना चाहिए ना तो उतना तक ऐसा सोच सोच करके और मन में कभी कभी गुस्सा आते समय उनके में दुख के बारे में सोच करके उनको क्या होगा करके सोच करके वो दूर करके रहना चाहिए बच जाएगा तो सारे पुत्र बंदी ने वो तरीका बताया वाला बहुत आसान है उन्होंने बताया जिससे जिसका जिसके शरीर का काम अच्छा शरीर के काम अच्छा है वाणी भी अच्छा है समय समय पर भी अच्छा है करते बहुत गुणवान है ज्ञानी है उत्तम है ऐसे हुए लोगों के प्रति गुस्सा उत्पन्न होंगे तो वो दूर करना चाहिए उपमा दे दिया कैसे उन्होंने बताया पहले जैसा प्यास से भरे हुए बहुत पानी पानी ढूंढते ढूंढते बहुत प्यासे भरे हुए चक्कर के साथ एक आदमी पानी ढूंढते ढूंढते जाते जाते समय अचानक उनको मिलता है एक तालाब पानी से भरे हुए है नीला रंग का पानी बहुत पार शुद्ध पानी नीचे कोई कीचड़ वगैरह भी नहीं है इसके बाद किनारे सफेद सफेद रेत है किनारे बहुत सुंदर है नजदीक एक सुंदर जंगल है वन है पेड़ से भरे हुए अच्छी छाया लाइक में में बहुत में शीतल छाया के साथ ऐसा जंगल है पानी में अंदर में तालाब में लाइक में चढ़ने के लिए उतर उतरने के लिए में उतरने के लिए आसान से उतर सकते ऐसा तो हुए अच्छा तालाब मिल गया वो बहुत खुशी खुशी से चाला में डूब कर कूद कर इसके बाद में स्नान करके पानी पी करके जंगल में थोड़ा जा कर सो जाते उनको जो चाहता था उससे कोटि कोटी, -कोटी ज्यादा कुछ मिल गया उनको चाहता था थोड़ा सा पानी लेकिन बहुत सारे सुकून मिल गए वैसा ही उन्होंने बताया जिसके जीवन में शरीर का काम भी अच्छा है वाणी भी अच्छा है शरीर से भी कुछ गलत नहीं करते वाणी भी बहुत मधुर है धर्म बताते अनुशासन करते आप लोगों को मदद करते इसके बाद समय-समय पर भी अच्छा करता है ने उस समय बहुत बनते लोग ऐसे थे ना उनके जीवन में देवताओं को भी देखने के लिए कोई गलत नहीं थे देवताओं आकर उनके सामने कहकर वंदना करते बनते जी आप लोगों के जीवन में कुछ लाइक डारने के लिए लाइक में दिखाने के लिए गलत नहीं एवं आप लोग जो ध्यान साधना करते हैं वो भी हमको समझ में नहीं आता है आप लोगों के मन अभी कौन सा कौन सा विचार पर रहता है करके भी हमको नहीं दिखाए थे आप लोग इतना महान बन गए हैं हम देवताओं को दूसरों के मन दिखाई देता है लेकिन आप लोगों के मन दिखाई नहीं देता है कि आप लोग कौन सा में समाधि बढ़ा रहे बढ़ रहे हैं है। उनको देंगे कभी, -कभी में, में विचार आएंगे तो दिखाई देता है लेकिन ध्यान साधना करे समय दिखाई नहीं देता है ऐसा करके देवता ऐसा हुए उत्तम लोगों के प्रति भी गुस्सा आएंगे तो आजकल भी कई कई बनते लोगों के प्रति भी गुस्सा उत्पन्न तो ऐसा तो आसान से दूर करना चाहिए सारे तो तो बताया उनके चाहेंगे तो उनके शरीर के शरीर का काम के बारे में सोच करके दूर कर सकते वो भी अच्छा है चाहेंगे तो वाणी उनके वाणी के बारे में याद करके वाणी कितना अच्छा है करके देश दूर कर सकते चाहेंगे तो कभी कभी वो ऐसा ऐसा पुण्य करते ऐसा ऐसा करते करके इसके बारे में याद करके देश दूर कर सकते हैं ऐसे भी आसान से उनके बारे में कैसे भी सो याद करेंगे तो गुस्सा दूर हो जाता है बहुत आसान सारे बुद्ध बंदे बताएं वैसा गुस्सा उत्पन्न होएंगे तो उनके प्रति वो गुस्सा इस प्रकार से दूर कर सकता है दूर करना चाहिए तो इसलिए हमारे सारे पुत्र बंदे जी ने ये उद, तम धर्म इस दुनिया को इस मानुष लोगों को देवता लोगों को बता दिए ही महाज्ञानी सारिपुत्त भंते जी तो भगवान बुद्ध जी के चक्र ऐसा ही कहने वाला एक ही बनते हैं वो सारिपुत्त भंते जी तो ऐसे हुए महान सारिपुत्त भंते जी के उत्तम अनुशासन याद करके पाम को भी बहुत दुख देने वाले बहुत परेशान करने वाले नरक तक चेंज कर लेकर जाने वाले गुस्सा से मुक्त होने के लिए सुख से रहने के लिए देवलोक में जन्म लेने के लिए एवं मन हमेशा के लिए सभी क्लेशों से मुक्त करके इसी भवचक्र कर से संसार से मुक्त होने के लिए हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए सारी पुत्र बंते जी के आशीर्वाद मिल जाए साधु 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 साधु